अवतार अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होंगे भगवान कल्कि। अवतार वेदों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से अंतिम अर्थात भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होगा। जानिए कब होगा भगवान कल्कि का अवतरण और क्या है भगवान विष्णु के इस स्वरूप का उद्देश्य। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न स्वरूपों में अधर्म का नाश किया। बता दें कि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि सभी मांगलिक कार्यों व नित पूजा पाठ में भगवान विष्णु का आह्वान निश्चित रूप से किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु काल रूप अर्थात भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। आइए जानते हैं भगवान कल्कि से जुड़ी कथा और उनके अवतरण का समय व उद्देश्य। कब अवतरित होंगे भगवान? श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि का अवतरण सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगा। यही कारण है कि प्रतिवर्ष इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के इस अवतार का उल्लेख विस्तार से किया गया है। भगवान कल्कि के अवतरण का क्या है उद्देश्य? भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बुद्ध, श्री कृष्ण और कल्कि अवतार प्रमुख हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अब तक पृथ्वी पर 23 बार भगवान विष्णु अवतरित हो चुके हैं। जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। इनका यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा और यह सफेद घोड़े पर सवार होंगे। कल्कि रूप में भगवान विष्णु पापियों का सर्वनाश करके पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मान्यता यह भी है कि भगवान कल्कि के अवतरण से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। कलयुग के अंत में बढ़ेगा पाप का बोलबाला। महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी, जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा, साथ ही सभी लोग पाप के भागीदार होते जाएंगे। राजा शूद्र समान हो जाएंगे, व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा, शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, वहीं हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएंगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएंगी। जब यह सब अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। कल्कि अवतार कहाँ होगा? जाने इस अवतार की 7 रोचक बातें। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पूर्ण स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा।
ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णुयश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी जो रामावतार के समय से भगवान से विवाह से लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा। यह घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान चार भाई होंगे। इनके अन्य तीन भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के चार पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक।